दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी की जा रही है। शहर में कैमरे लगे होने से दंगाइयों, अपराधियों, आपराधिक वारदात और अन्य घटनाओं की रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए 3000 कैमरों से भी शहर की निगरानी करने की तैयारी की जा रही है। ओवर स्पीड चलने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो वहीं हमारे सहयोगी नरेंद्र ठाकुर ने ग्राउंड जीरो से स्थिति का जायजा लिया है। नोएडा की सुरक्षा अब करीब 3000 कैमरों से होगी। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा करीब 250 करोड़ की लागत से 300 जो जगह है वो चिन्हित की गई है। उनमें करीब 3000 कैमरे लगाए जाएंगे। वो जो कैमरे होंगे वो हाई टेक्नोलॉजी वाले कैमरे होंगे, जो कि ट्रैफिक जाम से लेकर कहीं अगर चोरी भी अगर किसी की बाइक होती है या कोई ओवर स्पीड से बाहर निकलता है उसको सीधा कमांड सेंटर में संकेत मिलेगा, और कमांड सेंटर में संकेत मिलने के बाद जो कमांड सेंटर में कर्मी होगा वो सीधा पुलिस कर्मी को सूचना देगा, जिससे उस वाहन चालक पे कार्रवाई की जा सके। अब कहीं ना कहीं जो ग्रेटर नोएडा बैच से लेकर परीचौक सूरजपुर जो 300 जो स्थान जो चिन्हित किए गए हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ग्रेटर नोएडा की जो सुरक्षा है अब वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होने जा रही है। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, न्यूज इंडिया। ISTMS जो सिस्टम है सर्वेलेंस एंड ट्रैफिक मॉनिटरिंग का, इसमें हम लोगों ने 2739 कैमरे जो है उनको लगाने की व्यवस्था की है, जिसमें करीब 350 लोकेशन है जो पुलिस प्रशासन और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों के संपर्क और समन्वय से फाइनल किए गए हैं। और ये जो कैमरास लग रहे हैं इससे अगर कोई भी चोरी होती है, थेफ्ट के केसेस होते हैं, तो उसमें लोगों के फेस रिकग्नाइज करना और उनको तुरंत उनपे कार्रवाई करना, इसके अलावा अगर आपातकालीन स्थिति में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बेहोश हो गए उनको तुरंत पहचान के उनको इलाज दिलाना।